रुद्रप्रयाग से है, जहां सोनप्रयाग से लिनचोली तक पेयजल लाइनों की प्रशासन द्वारा ठीक किया जा रहा है। बता दें कि केदार घाटी में बीते 23 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते सड़क से लेकर पैदल मार्ग को भारी नुकसान हुआ था, तो वहीं पेयजल विभाग की लाइनें भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हें ठीक करने का प्रयास जारी है। इसी को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अनीश पिल्लई ने बताया कि केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश के चलते पेयजल लाइनों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ स्थानों पर घोड़े खच्चरों को गर्म पानी पीने के लिए बनाई गई चरियां भी पूरी तरीके से मलबे में दब चुकी हैं। इसी के चलते विभाग द्वारा सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक 26 लोगों की टीमें निरंतर पेयजल लाइनों को ठीक करने में लगी हैं। कई जगह पर फिलहाल प्लास्टिक के पाइपों द्वारा पानी पहुंचाया जा चुका है। हालांकि खराब मौसम के चलते कार्य करने में दिक्कतें आ रही हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।